बाबर की कैप्टेंसी को कैसा देख रहे हैं लास्ट टाइम और टीम का जेलनेस? अल्हम्दुलिल्लाह आपको खुद भी टीवी पे भी नज़र आ रहा होगा और आप तो आते हैं इधर ग्राउंड में मैचेस भी देखते हैं। ये टीम से ज़्यादा फैमिली है क्योंकि फैमिली में जो भी मेंबर एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा खुश होता है। आप देख रहे हैं अभी भी वो पीछे से आवाज़ें भी दे रहे हैं। बाबर भाई कह रहे हैं झूठ बोल रहे हैं। नहीं बाबर नहीं होगा, वो हमारे प्रिंसेस इमाम है। 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 तो देखो मतलब यही होता है कि एक अच्छी दोस्ती है, एक फैमिली की तरह रहते हैं। तो टीम से ज़्यादा हमारी फैमिली है क्योंकि हम एक दूसरे के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, अपनी फैमिली से ज़्यादा एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। तो एक फैमिली बन चुकी है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जल है हमारा। बाबर की कैप्टनसी को कैसा देख रहे हैं लास्ट टाइम और टीम का जेलनेस? अल्हम्दुलिल्लाह आपको खुद भी टीवी पे भी नज़र आ रहा होगा और आप तो आते हैं इधर ग्राउंड में मैचेस भी देखते हैं। ये टीम से ज़्यादा फैमिली है क्योंकि फैमिली में जो भी मेंबर एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा खुश होता है। आप देख रहे हैं अभी भी वो पीछे से आवाज़ें भी दे रहे हैं। बाबर भाई कह रहे हैं झूठ बोल रहे हैं। नहीं बाबर नहीं होगा, वो हमारे प्रिंसेस इमाम है। 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 तो देखो मतलब यही होता है कि एक अच्छी दोस्ती है, एक फैमिली की तरह रहते हैं। तो टीम से ज़्यादा हमारी फैमिली है क्योंकि हम एक दूसरे के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, अपनी फैमिली से ज़्यादा एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। तो एक फैमिली बन चुकी है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जल है हमारा। शादाब भाई आपके फेवरेट जो आपके दोस्त भी हैं हसन भाई इस बार टीम में नहीं है, तो कैसी फीलिंग है? नहीं फीलिंग तो देखिए डेफिनेटली वो एक मैच विनर है और हम सबको पूरा यकीन है क्योंकि जिस तरह उसने रिसेंटली परफॉर्मेंसेस दी हुई थी पाकिस्तान के लिए, होपफुली वो एक उसी तरह अच्छा कमबैक करेगा और पाकिस्तान को मैचेस जिताएगा। कितना होपफुल है सर दोनों सीरीज के लिए? नेदरलैंड के अंदर तुमने ऑब्वियसली वनडे सीरीज खेलनी है और उसके बाद एशिया कप T20 फॉर्मेट पे, तो आप दोनों टीमों के साथ हैं और वाइस कैप्टन, तो कितनी जिम्मेदारी है और कैसा देख रहे हैं पाकिस्तान के पास? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल, एक दोबारा से हमारे क्योंकि हमारा आगे बहुत ज़्यादा लंबा शेड्यूल है तो वो स्टार्ट होने जा रहा है। डेफिनेटली जिम्मेदारी तो आप जब पाकिस्तान के लिए खेल रहे हो तो बहुत होती है और इंशाल्लाह जिस तरह के अभी क्योंकि हमारे लिए वनडे के लिए पॉइंट्स काफ़ी ज़रूरी हैं और ये काफ़ी अहम सीरीज़ है हमारे लिए, तो जाके पहले तो हम नदरलैंड की सोच रहे हैं क्योंकि जिस तरह का हमारा कैंप भी लगा हुआ वनडे का कैंप लगा हुआ, तो कोशिश कर रहे हैं कि वनडे की पहले तैयारी की जाए और एट अ टाइम एक चीज़ लेके जाए। एक बार फिर रवायत थे भारत एशिया कप में सामने होगा तो क्या सोच के जा रहे हैं कि वही प्लान है पुराने वाला?